तो यहाँ से तुम देखोगे, ये बेसिकली एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये सारे इक्वेशन थे, एस आई यूनिट ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का एस आई यूनिट हमें निकालना है। तो तुम देखोगे, ये देखो, अगर कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ से, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इस फॉर्म में है, तो वाई का डायमेंशन ए के बराबर होगा और वाई का डायमेंशन बी के भी बराबर होगा, ए का डायमेंशन इसके बराबर होगा, बी का डायमेंशन इसके बराबर होगा। भाई ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होते हैं ना यार, समझ रहे ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बी का डायमेंशन ए सारे वाई बराबर होगा, ए बराबर होगा, बी बराबर होगा, सब डायमेंशनली सारे सेम होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो ई है, सबसे पहले देख लो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अपन चार्ज के इक्वल होता है भाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एम एल यूनिट निकालना है। तो जो फोर्स, तो यहाँ से मैं यूनिट ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से तुम देखो, जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन है और चार्ज का कूलाम है, तो ये बना न्यूटन पर कूलाम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। इसका मतलब ये हुआ, अब जो सवाल दिया हुआ है उसमें सोचो, ये पूरा का पूरा इसके यूनिट के बराबर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो ए का, ए और एक्स का पूरा का स्क्वायर बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ए का जो यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और एक्स क्या कोऑर्डिनेट है, लेंथ है, ऐसा बताया नहीं गया, मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पर कूलाम यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बना, मतलब ऐसा यूनिट बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, दैट इज एट यूनिट ऑफ द ए। आया समझ में? चलो बी का देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर मतलब ये अपना सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो बी अपन वाई की पावर क्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की पावर क्यू आ जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें देखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट अभी हम निकाले हैं, न्यूटन पर कूलाम और ये वाई मीटर की पावर क्यू, इसका मतलब ये हुआ न्यूटन मीटर की पावर क्यू और यह आ जाएगा सी की पावर -1। तो दिस इज बेसिकली क्या, ये क्या आ गया अपना न्यूटन मीटर कूलाम का, ये दैट इज द सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच कर गया। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सवाल था, और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हो और कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।